हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को मैंने क्रोशिया से बनाया है, तो इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है और जिस भी प्रोजेक्ट में हम इसको डालेंगे बहुत जल्दी बन के आएगा, क्योंकि इस डिजाइन के लिए हमने घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम 6 के मल्टीपल के हिसाब से चैन डालेंगे सबसे पहले। तो हमारा ये डिजाइन यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारा 6 चैन के अंदर आया है, तो हम करेंगे 6+6+6। जितना भी हमारा चौड़ा पैटर्न होगा हम 6 के मल्टीपल के हिसाब से चैन डालेंगे सबसे पहले, और लास्ट में करेंगे +4। देखिए, आप अगर चैन डालेंगे तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डालेंगे, मैं यहाँ पर केवल आपको बताने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6+6+6+4 यहाँ पे किया है। तो अब हम करेंगे अगली रो स्टार्ट। अगली रो स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से 5 चैन करने होंगे, 1 2 3 4 5। अब हम 5 चैनों को छोड़ देंगे और छठे चैन पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे लगातार 4 डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया, 2 3 4। अब हम यहाँ पे 2 चैन करेंगे, 1 2। 2 चैन करने के बाद नीचे के 2 चैन भी हम छोड़ देंगे, 1 2, और तीसरे पे जाएंगे। फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम 2 चैन करेंगे, 1 2, और फिर से नीचे के 2 चैन छोड़ देंगे और तीसरे पे जाएंगे और डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे, 1 2। ये उलझ गया है, दोबारा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 किया है, अब हम दूसरा करेंगे, 2 3 और 4। देखिए, इसी तरह से हमने जितना भी चौड़ा प्रोजेक्ट होगा हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चैन करेंगे, 2 नीचे के छोड़ेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें पूरा रिपीट करना है। देखिए, लास्ट में अब हम यहाँ पे 2 चैन करेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2, इसको हम डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए, यहाँ पर भी हमने 5 चैन किए थे और 5 चैन में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पे एक गैप बन गया। इसी गैप के अंदर ये डिजाइन आएगा अभी अगली रो में। ये देखिए, यहाँ पर भी 3 चैन के बराबर हमारा एक डबल क्रोशिया होता है, 2 ये चैन हो गई, तो 5 यहाँ भी हो गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए, जो एक डबल क्रोशिया होता है लगभग 3 चैन के बराबर लंबाई का होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 चैन किए थे। 5 चैन कर लिए, यहाँ पे मैंने 5 चैन में से 3 चैन का हमारा अगली रो स्टार्ट हो गई और 2 चैन का हमारा एक गैप बन गया स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 चैन किए थे। ये देखिए, लास्ट में इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये किया था, 2-3 चैन मैंने ज्यादा डाल दी थी। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, हमारा किसी कारण बस कभी कम हो जाते हैं चैन या फिर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मेरी यहाँ पे 2 चैन ज्यादा है, तो हम इसको पूरा उधेड़ेंगे नहीं, इस प्रोजेक्ट को हम खराब नहीं करेंगे। यहाँ पर तो केवल मैं आपको बताने के लिए छोटा सा प्रोजेक्ट बना रही हूँ। हो सकता है आपका लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट हो, आपने पूरा चैन डाल दिया और लास्ट में बुन भी ली पूरी रहो और लास्ट में लगा आपको चैन कम या ज्यादा हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे कम हो गए हैं, तो आप जैसे ये ऊन बची है हमारी, तो इस ऊन से आप यहाँ पे चैन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप इस गैप में डालिए, लास्ट चैन के इस गैप में डालिए और यहां से ऊन लेके यहाँ पे हम इस तरह से चैन बढ़ा सकते हैं, 1 2, जितना भी हमारा ऊन है। देखिए, 2-4 अगर चैन कम हो गई तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं उधर को। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस तरह से हम उधर को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारी ज्यादा हो गई, ऑलरेडी ज्यादा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो हम छोड़ के इसको कट नहीं करेंगे। जब भी जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसके अंदर सिलाई में आसानी से अंदर डाल के इसको अंदर फंसा देना है, इसको उधेड़ना नहीं है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट होता है।
तो ये लास्ट में आपको मुझे समझाना था। तो अब हम अगली रो स्टार्ट करेंगे। अगली रो के लिए अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन चैन करेंगे, 1 2 3। जब भी हम डबल क्रोशिया वाली रो बनाते हैं तो तीन चैन से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि डबल क्रोशिया की लगभग ऊंचाई जो होती है, चौड़ाई, तीन चैन के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पे तीन चैन करते हैं। अगर हम सिंगल क्रोशिया करते हैं तो सिंगल क्रोशिया की जगह हम केवल एक चैन करते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे ये वाला डिजाइन शुरू। ये देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे क्रोशिया हुक में ऊन ले लेंगे, 1 2 3। मैं यहाँ पे तीन बार ले रही हूं। अगर आपकी ऊन मोटी है या पतली है, कम या ज्यादा बार भी आप ले सकते हैं, जितना बड़ा ये मोटा आप चाहते हैं पोम पोम, उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे दो चैन, 1 2। दो चैन करने के बाद फिर से एक पोम पोम बनाएंगे, 1 2 और 3। इस तरह से ऊन लेंगे और इसको टाइटली यहाँ पे बांध देंगे। देखिए हमारी कली बन के आती है डिजाइन की, ये देखिए। अब हम यहाँ पे फिर से चार चैन करेंगे। जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर देखिए चार डबल क्रोशिया है, तो हम यहाँ पे चार चैन करेंगे और बाकी कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, 1 2 3 4। देखिए चार चैन कर दिए। चार चैन करने के बाद सीधे इस गैप में जाएंगे और हम फिर से यहाँ पे ये वाला डिजाइन बनाएंगे, 1 2 3। थ्री बार लिया। अब इसको हम टाइट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर से दो चैन करेंगे, 1 2, और फिर से दूसरा वाला कली बनाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको भी हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए इस डिजाइन में एक बार हमारा ये वाला डिजाइन बन के जाएगा एक लाइन में, दूसरी लाइन में ये वाला डिजाइन बन के जाएगा, ठीक है। जब ये वाला डिजाइन करना है तो यहाँ पे दो चैन का गैप छोड़ना है। जब ये वाला डिजाइन बनेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर चार डबल क्रोशिया है, तो चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार चैन का गैप छोड़ना है, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा रिपीट कर लेंगे इस वाली लाइन को। यहाँ पे अब हम करेंगे चार चैन, 1 2 3 4। अब हम सीधे जाएंगे इस गैप पे, इस गैप पे जाके हम करेंगे 1 2 एंड 3। थ्री बार कर लिया। अब हम इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से बांध देंगे। अब हम करेंगे 1 और 2, दो चैन किए। फिर से हम इस होल में जाएंगे, 1 2 3, थ्री टाइम किया और इसको टाइट कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे हम चार चैन करेंगे फिर से, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने पांच चैन करके एक होल यहाँ पर भी हमने छोड़ा था, तो इसमें भी लास्ट में भी हमने ये कली वाला डिजाइन बना देना है। तो ये 1 2 और 3, थ्री किया, यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। फिर करेंगे 1 2, फिर से कर लेंगे दूसरा, 1 2 और 3, थ्री कर लिया हमने। अब इसको हम कर लेंगे टाइट। देखिए अब लास्ट में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया भी करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये चैन थी, चैन के 1 2 3 गिनेंगे, 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर जाएंगे इस तरह से, हम क्रोशिया हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट रो, एक लाइन इस डिजाइन की बन गई, एक इसकी। अब देखिए इस तरह दिखेगा। अब हम अगली रो स्टार्ट करेंगे। अगली रो स्टार्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे पांच चैन कर लेंगे, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे देखिए एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए जब हमारी ये वाली रो स्टार्ट होगी, यहां से ये वाली जब रो स्टार्ट होगी, मैं ये इसी में बताती हूँ, इसमें और आसानी से समझेंगे आप। देखिए जब हमारी चार डबल क्रोशिया वाली रो स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में पांच चैन करने हैं, ठीक है। पांच चैन में से दो चैन हमारा जो ये गैप छोड़ रहे हैं, दो चैन का गैप बन जाएगा और तीन चैन की हमारी अगली रो स्टार्ट करने के लिए बन जाएंगी। तो अब हम सीधे इस पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमें चार डबल क्रोशिया कर लेने हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4।
चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे दो चैन का गैप हमें फिर से छोड़ना है, वन टू इनको हम छोड़ देंगे। अब हम सीधे इस गैप पे चले जाएंगे और यहाँ पे फिर से चार डबल क्रोशिया कर लेंगे, वन टू थ्री और फोर। देखिए पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये कर दिए हमने। अब हम यहाँ पे करेंगे फिर से वन टू। अब हमारा डिजाइन खत्म हो गया है तो लास्ट पे हमारा एक डबल क्रोशिया होता है यहाँ पे, तो इस डबल क्रोशिया पे हम जाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से, डिजाइन के बाद हमारा एक डबल क्रोशिया है तो इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे लास्ट में। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे फिर से तीन चैन, वन टू थ्री, यहाँ पे केवल तीन चैन करने हैं जिस टाइम हमारा ये डिजाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, जब ये डिजाइन स्टार्ट होगा तो तब हमें करने हैं यहाँ पे पांच, क्योंकि दो चैन का हमारा यहाँ पे गैप होगा, तीन चैन का हमारा ये चौड़ाई इसकी बढ़ेगी। तो अब हमें इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों चैन, ये डिजाइन बनाते टाइम हमारा ये दो चैन है और दो ये है, तो इन दोनों को हमने इस तरह से छोड़ देना है, इसके अंदर डालना है। देखिए हमने इसमें नहीं डालना है, हमने सीधे नीचे वाले में, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन के ऊपर डिजाइन है, क्योंकि ये चैन जो है दोनों चैन इसके अंदर घुस जाएंगे। देखिए इसमें हम डालेंगे क्रोशिया हुक को, ये देखिए इस डिजाइन के अंदर डालेंगे, वन टू थ्री, थ्री टाइम ऊन ले लिया और इसको हमने बुन दिया इस तरह से, फिर से दो चैन किया, वन टू दो चैन करके फिर से हम इसी के अंदर जाएंगे, ये देखिए वन टू और ये थ्री, थ्री टाइम लिया और फिर से ये कर लिया। देखिए इस तरह से चुटिया जैसा ही डिजाइन बन के आता है। अब हम करेंगे यहाँ पे चार चैन करेंगे, चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार चैन बना के छोड़ देंगे, वन टू थ्री फोर छोड़ दिए। अब हम सीधे जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी हमारी दो चैन है, एक स्ट्रो की एक स्ट्रो की, तो हमने इसमें चले जाना है सीधे डिजाइन के ऊपर वाले में और दोनों को इस तरह ले लेना है। ये देखिए वन टू और ये थ्री, थ्री बार लिया और इसको टाइट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे वन टू। अब हम जाएंगे फिर से इसी के अंदर से, देखिए वन टू थ्री, थ्री किया और यहाँ पे इस तरह से किया। देखिए फिर हमारे ये चुटिया जैसा यहाँ पे डिजाइन बन के आएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है डिजाइन, आप देख सकते हैं एक ही लाइन बनने में कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे चार चैन, वन टू थ्री फोर, फिर से हम चले जाएंगे इसके अंदर से, देखिए यहाँ पे दो है, इसके अंदर जाएंगे नीचे वाले के, वन टू थ्री, आपकी पतली ऊन है तो आप चार बार भी डाल सकते हैं, मेरी मोटी है तो मैं इतना ही बना रही हूँ, वन टू टू करेंगे, फिर से इसमें जाएंगे, फिर वन टू थ्री, फिर करेंगे वन टू थ्री फोर, फिर चले जाएंगे लास्ट डिजाइन में, इसको हम छोड़ देंगे इसके ऊपर चार बना चेन बना के, वन टू थ्री, अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पे टाइट, वन टू करेंगे, वन टू करने के बाद दूसरा बनाएंगे, दूसरी कली वन टू थ्री, ये देखिए ये कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे जो डबल क्रोशिया का लास्ट ये छोर है इस पे जाएंगे और इस पे एक क्रोशिया हुक डाल के यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए देखिए इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे, तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।